जी हाँ दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, गांव घर के विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आज बात करेंगे गुरु नानक जयंती के बारे में, जिसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब के ज्ञानी दलजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऐसा है भैया कि गुरु नानक जी के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, तो आज इतने बड़े ज्ञानी हम लोग के बीच में हैं, तो हम लोग उसका लाभ क्यों नहीं उठाए। अरे भाई ये तो सही बात है, तुम जो बोले ना हमको भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है उनके बारे में, बस हम ये जानते हैं कि गुरु नानक देव जी गुरु हैं, सिखों के पहले गुरु हैं, लेकिन उनके बारे में विशेष हमको भी नहीं मालूम है। ये हमको खाली मालूम है वो भी भगवान है, बाकी ये नहीं मालूम है कि कहाँ हुए, कैसे गुरु हुए और कैसे क्या हुए। अरे भैया, अरे काका, सब कुछ जानकारी लीजिए ना, सर तो हमारे साथ मौजूद है ना। सही बात है। तो बाबा बताइए, हम ही चाहते हैं कि पहले ये बताइए आप कि गुरु नानक जी कहाँ पैदा हुए और कैसे कैसे उनका मैंने धीरे धीरे वो मैंने कहाँ कहाँ आए वो सब बताइए बाबा, हम लोग को बड़ा हम लोग सुनना चाहते हैं। गांव घर प्रोग्राम के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, और आज कार्तिक पूर्णमासी के दिन ही सिखों के आदि गुरु गुरु नानक देव महाराज जी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनका जन्मभूमि है ननकाना साहेब, जो आजकल पाकिस्तान में है। राय भोई की तलवंडी ननकाना साहेब नाम के से प्रसिद्ध है। उनका बचपन वहीं व्यतीत हुआ, बाल्य अवस्था में बहुत कौतक किए, बहुत बाल लीला करते रहे और लोगों को निहाल करते रहे, जैसे गाय भैंसों को खेत चरा करके फिर खेत हरा भरा कर देना, और सांप ने पनियर नाग ने उनको धूप देख करके और उस पर छाँ करनी, और बहुत सारे कौतक बचपन में किए। गुरु नानक देव जी के पिताजी जब गुरु नानक देव जी बड़े हुए तो सोचा कि अब पढ़ने लायक हो गया तो पाठशाला में इनको भेजा जाए, तो गोपाल दास एक पंडित जी थे तो उनके पास पढ़ने के लिए भेजा। कहा पंडित जी हमारे पुत्र नानक को पढ़ा दो, मैं आपको बहुत इनाम दूंगा। तो पंडित गोपाल दास जी ने सोचा कि बड़ा होनहार बच्चा है, इसका लिलाट बहुत चमक रहा है, थोड़े दिनों में पढ़ के निपुण हो जाएगा, बहुत सारा धन मिलेगा, क्योंकि बाबा नानक जी के पिताजी पटवारी थे गांव के और बड़े रसूख वाले थे, और उनकी पत्नी गुरु नानक देव जी के पिताजी बाबा कल्याण दास जी, माता तृप्ता जी, ये दोनों दंपति ने जो परम पिता परमात्मा की आराधना की, परम पिता परमात्मा प्रसन्न हुए, कहा हम आपकी भक्ति पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। कहा हे परम पिता परमात्मा आप प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिए, आप ही पुत्र बन के मेरे घर आइए। तो भगवान परम पिता परमात्मा ने कहा तथा अस्तु, ऐसा ही होगा, मैं स्वयं आपके घर पुत्र बन के आऊँगा। सो कलयुग में गुरु नानक देव जी महाराज परम पिता परमात्मा के स्वरूप प्रकट हुए, जो सिखों के आदि गुरु और सिख धर्म के संस्थापक भी थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की नींव रखी, और गुरु नानक देव महाराज ने सर्वसांझी बालता का संदेश दिया सबको, मानस की जात सब एक पहचान वो, कि हिंदुओं का गुरु मुसलमानों का पीर बाबा नानक शाह फकीर। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो उनके पिता बाबा कल्याण दास जी ने अपने कुल पुरोहित पंडित हरदयाल जी को बुलाया, क्या पंडित जी इस बच्चे का नामकरण करिए। तो कहा ये कोई आम बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक है, अवतारी पुरुष है, इसका नाम तो शुभ लगन मुहूर्त देख कर रखना पड़ेगा, सो मैं 13 दिन के बाद इसका नामकरण करूँगा। 13 दिन के बाद कुल पुरोहित पंडित हरदयाल जी आए तो नाम नानक रखा। तो उनके पिता कल्याण दास जी ने कहा कि पंडित जी आप जी ने कैसा नाम रख दिया, ऐसा नाम तो हमारे क्षत्रियों में वेदियों में किसी ने नहीं रखा, तो आपने हिंदू मुसलमान का मिश्रित नाम रख दिया। तो पंडित हरदयाल जी बोले कि हजरत मोहम्मद साहब हुए हैं उनको सिर्फ मुसलमान मानते थे, हिंदू कोई नहीं मानता था,
श्री रामचंद्र जी को सब हिंदू मानते थे, मुसलमान कोई नहीं मानता था, पर इस गुरु नानक देव जी को हिंदू भी मानेगा और मुसलमान भी मानेगा। हिंदुओं का गुरु, मुसलमानों का पीर बाबा नानक साहब फकीर के नाम से प्रसिद्ध हुए और चार उदासियां धारण की। जब मोदी खाने में काम भी किया तब परमपिता परमात्मा ने कहा कि जिस काम कार्य के लिए नानक को पृथ्वी पर भेजा था, लुकाई को तारने के लिए, ये तो काम धंधा में फंस गया है, मोह माया में ग्रस्त फंस गया है। तो वरुण देवते को आदेश दिया कि नानक को हमारे पास भेजो। तो बेई नदी में स्नान करने गए और परमपिता परमात्मा के दरगाह में पहुंच गए और लोगों ने सोचा कि गुरु नानक देव जी डूब गए, हाहाकार मच गई। पर उनकी जो बहन थी, 5 साल उम्र में बड़ी थी, उनका नाम नानकी था और क्योंकि ननिहाल में पैदा हुई थी इसलिए उनका नाम नानकी रखा था और पुत्र का नाम नानक रखा। पर जब वापस लौटे 3 दिन बाद तो वहाँ संत घाट नामक स्थान पर जो मसान भूमि थी वहाँ पर जाकर बैठ गए तो लोगों ने कहा कि बाबा नानक जी आप शहर में चलिए, आप उजाड़ में क्यों बैठे हैं, शमशान में क्यों बैठे हैं, क्या इसको उजाड़ मत कहो, असल संसार तो यही है, जिसको तुम संसार कहते हो वो संसार उजड़ के आखिर यहीं आने वाला है, सबको एक दिन शमशान में ही आना है, इसलिए मैं पहले से ही बैठा हूँ। फिर गुरु नानक देव जी गए, मोदी खाना लुटा दिया और भगवे वस्त्र धारण करके और तीर्थ यात्रा पर निकल गए और सभी और हिंदू धर्म के तीर्थ स्थान, मुसलमानों के और काबा मक्का आदि के सब और मदीना सब जगह, बगदाद और ये सब मुसलमानी इलाकों में गए, जहाँ मुसलमानों के पीरों को उपदेश दिया, वहाँ योगियों को और पंडितों को भी उपदेश दिया। बाबा एक बात हम सुने हैं, अब पता ना वो का सही है का नहीं है, कि गुरु नानक जी एक बार काबा गए थे और वहाँ पर कैसे तो वो काबे के तरफ पैर रख के सो गए थे, तो वो वाला हमको प्रसंग बताइए ना, बड़ा अच्छा लगता है सुन के। तो बहुत अच्छा सवाल किया है। तो गुरु नानक देव जी के 2 शिष्य थे, एक हिंदू एक मुसलमान। अच्छा, भाई बालाजी हिंदू थे और भाई मर्दाना जी मुसलमान थे। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि हे महाराज, मैं मुसलमान हो करके भी आज तक मैं मक्का नहीं गया, कृपा करके आप मक्का के दर्शन कराओ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा चलो मक्का के दर्शन कराते हैं। भाई बाला और मर्दाना के साथ चले गए और मक्का में वहां जाकर रात में पहुंचे, थके हुए थे, काबे की तरफ पैर करके सो गए। तो सारी रात सोते रहे। जब सुबह झाड़ू बहारू के लिए जीवन नाम का एक मौलवी आया जो वहाँ उस स्थान की सेवा करता था, झाड़ू बहारू करने आया, देखा कि एक मुसाफिर सोया पड़ा है, उसने लात का प्रहार किया और कहा अरे काफिर, तुम काबे की तरफ अल्लाह के तरफ तुम पैर करके सोए हो। तो कहा भाई हम मुसाफिर हैं, थके हुए हैं, अब हिम्मत नहीं है कि हम उठ करके दूसरी तरफ सोए, तो मेरे पैर उठाकर पकड़ के उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। तो जीवन मौलवी ने गुरु नानक देव जी का पैर को पकड़ के घसीटने लगा, चारों तरफ घुमाने लगा, घुमा कर जब छोड़ा तो क्या देखता है कि गुरु नानक देव जी के पैर काबे की तरफ हैं। 3-4 बार ऐसा ही किया, फिर वो समझ गया कि ये अल्लाह के रूप हैं, चरणों पर गिर पड़ा। और एक बार ये भी हम सुने हैं, समझ जाएंगे बचपन में कहीं, कि उन्होंने कोई सूखी रोटी को जब मुट्ठी में दावा तो उससे दूध निकलने लगा। एक बार गुरु नानक देव जी अहमदाबाद गए, अपने प्यारे सेवक जिसका नाम भाई लालो था, बहुत के मेहनती और ईमानदार था और हक हलाल की कमाई खाने वाला था, उसके घर ठहरे। वहीं एक मलक भागो नाम का एक बड़ा धनाढ्य सेठ रहता था, उसने भोज भंडारा किया और सभी साधु संतों को, सभी वर्णों आश्रमों के साधु संतों को निमंत्रण दिया, गुरु नानक देव जी को भी निमंत्रण दिया जो भाई लालो जी के घर ठहरे हुए थे, पर गुरु नानक देव जी नहीं गए।
दो बारी आदमी भेजे, दोनों बारी नहीं आए। तीसरी बार मलक भागो ने कहा जबरन पकड़ के ले आओ। जब पकड़ के लाने लगे तो गुरु नानक देव जी स्वयं उठ के चले आए, कहा ऐ मलक भागो क्यों बार बार आदमी भेज रहे हो बुलाने के लिए। कहा महाराज पहले आपको निमंत्रण भेजा गया था, आप दो बार आए नहीं, तीसरी बार फिर आदमी भेजा। तो कहा ठीक है अब आ गए हैं, क्या काम है। कहा आप भोज भंडारे में आप शामिल हो करके और भंडारा आप खाइए। तो कहा ठीक है, जो कुछ भी तैयार है बना है हमारे सामने परोस के ले आओ। और भाई लालो को भी कहा तुम भी जाओ कुछ ले आओ घर से, कुछ रोटी का टुकड़ा कुछ। तो भाई लालो जी गए और बाजरे की दो सूखी रोटी ले आए। और इधर मलक भागो 36 प्रकार का पुआ मालपुड़े खीर हलवा सब ये सब सजा के थाल में रख के लिया। गुरु नानक देव जी ने बाएं हाथ में मालपूड़ा पकड़ के और दाएं हाथ से बाजरे की सूखी रोटी लेके जब दोनों को निचोड़ा तो दाहिने हाथ से भाई लालो की जो हक हलाल की कमाई की रोटी में से दूध की धार निकली और मलक भागो के मालपूड़े से खून की धार निकली। तो लोग अचंभित हो गए कि महाराज ये क्या कौतक है। तो गुरु जी ने कहा कि इसने लोगों को गरीबों का खून चूस चूस के धन इकट्ठा किया है और भंडारा कर रहा है। और ये भाई लालो जी ईमानदार कीर्ति सिख है और अपने हक हलाल की कमाई खाने वाला, इसकी सूखी रोटी से दूध की धार निकली। ईमानदारी है, एक तरफ बेईमानी है एक तरफ ईमानदारी है। तो ईमानदारी का पलड़ा भारी हुआ, उसमें सूखी रोटी से दूध की धार निकाल के दिखाया गुरु जी ने। तो ही हमको याद था, समझ ना गए कि सूखी रोटी को जब उन्होंने दबाया तो दूध निकाला। अच्छा बाबा, कोई ऐसा उनका चमत्कार हम कहेंगे, उनका कोई और भी कोई चमत्कार ऐसा हो जो हम लोग सुनना चाहें या लोग हमारे गांव के दर्शक सुनना चाहें? सर एक चमत्कार तो ये भी था शायद कि वही उन्होंने कहा था कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खा लो रे चिड़िया, भर भर पेट सारे जानवर खा लेते थे और फिर हरा भरा बगीचा। ये तो बहुत ऐसे चमत्कार है। जब बाल अवस्था में जब कुछ बड़े हुए गुरु नानक देव जी, तो उनके पिताजी ने कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, गाय भैंसों को स्वयं चरा कर लाया करो। अच्छा, अभी तो मजदूर जो है वो रखवाले वो चराते हैं और अच्छी तरह से नहीं। अपनी गऊओं को खुद चराओगे तो रिस्क पुट हो जाएंगे। तो बाबा नानक जी गाय भैंसों को लेकर जाते रहे और बचपन के साथियों को साथ बैठा के पेड़ के नीचे बैठ के सत्संग करते थे, उपदेश सुनाया करते थे, गाय भैंसों को छोड़ देते थे खेत में चरने के लिए। एक बार गाय भैंसों को छोड़ दिया खेत में चरने के लिए, किसान का खेत गाय भैंसों ने चर लिया, उजाड़ दिया खेत। जब किसान आया देखा मेरा खेत उजड़ा हुआ है, उस समय का जो मालिक था जमींदार राय बुलार नाम था उसका, राय बुलार भट्टी उसकी संज्ञा थी जाति थी, उसके पास शिकायत की किसान ने कि पटवारी आपका जो पटवारी कल्याण दास है उसके बेटे ने नानक जी ने मेरा खेत चरवा दिया है गाय भैंसों को घुसा कर। तो कहा ठीक है एक आदमी भेजा जाओ पता करके ले आओ कि वाकई में खेत इसका उजड़ गया है कि नहीं। तो जब आदमी गया तो देखा गुरु नानक देव जी समझ गए कि गया है शिकायत करने। जब अमृत भरी दृष्टि डाली खेत पर तो खेत लहलहाने लगा, हरा भरा हो गया। तो जब उसके राय बुलार के आदमी ने जाके देखा कि हे पटवारी जी वो तो खेत है बिल्कुल हरा भरा है, लहलहा रहा है, ये किसान झूठ बोलता है कि इसने मेरा खेत उजाड़ दिया है। तो किसान जब जाकर वापस गया देखा कि हरियाली हरियाली है, तो शर्मिंदा होके वापस फिर आया ही नहीं शिकायत करने। तो ये चमत्कार था बहुत बहुत। और बाबा जैसे गुरुद्वारा में हम देखे हैं कि सुने भी हैं देखे भी हैं कि वहाँ लंगर उंगर चलते रहता है, तो मैंने ये क्या मैंने है कैसे वहाँ पर क्या क्या होता है जरा सा हम लोग जानना चाहेंगे। ये लंगर की जो परंपरा है प्रथा है गुरु नानक देव जी ने शुरू की। सबसे पहले गुरु नानक देव जी के पिता बाबा कालू जी कल्याण दास जी ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो कोई व्यापार करो और सच्चा सौदा करो, खरा सौदा करो। और उस समय 20 रुपए दिए
और इतिहास में 20 रजतपन लिखा हुआ, चांदी के रुपए चलते थे, आजकल नोट तो थे नहीं, चांदी के 20 रुपये दिए कि जाओ सच्चा सौदा खरीद के ले आओ। और उन भाई बालाजी जो बचपन के साथी थे उनको साथ भेजा, दोनों गए एक बाग में, वहाँ बहुत सारे संत महंत बैठे थे, कई दिनों के भूखे थे, तो बाबा नानक जी जाते हुए सोचने लगे कि कई दिनों से बेचारे भूखे हैं, तो पिताजी ने कहा सच्चा सौदा खरीदने के लिए, इससे सच्चा सौदा और क्या बेहतर हो सकता है। तो 20 रुपए जा करके बाजार से आटा चावल चीनी और दूध ये सब सामग्री ले करके और संतों को कहा कि लो महंत जी आप स्वीकार करो और भोजन तैयार करके आप लोग ग्रहण करो। तो उनका संतों का जो मुखी था संत रेण नाम के मसरी महंत थे, जो संतों के श्री महंत होते श्रोमणी, संत रेण जी ने कहा कि ए बालक तुमने बड़ी कृपा की, जो रास्ता ले आके दिया, राशन ले आके दिया, अब जाओ तुम अपने घर, हम संत लोग भोजन तैयार करके खा लेंगे। तो जब चले गए बाबा नानक जी तो उनके और चेलों ने संतों ने कहा कि महाराज आपने उस अद्भुत बालक को क्यों भेज दिया, बैठा रहने देते। कहा उनका इतना तेज प्रताप था, उनके चेहरे से ऐसा एक नूर निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। इसलिए मैंने कहा कि आप चले जाओ, हम संत लोग भोजन तैयार करके ग्रहण कर लेंगे। सो वहीं से 20 रुपये का जो उन भूखे साधुओं को जो लंगर छकाया, वहीं से लंगर की परंपरा शुरू हुई। और सबसे पहले परंपरा को तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में हुई। अच्छा, पटना साहब? हाँ जी, पटना साहब। वहाँ उस समय का मौजूदा एक जौहरी था, सालसराय, सालसराय जौहरी था। जब गुरु नानक देव जी देश देशांतरों का रटन करके और जब इस पटना शहर में दाखिल हुए, उस समय पटना शहर का नाम विशंभरपुर था। अच्छा, इस पटना का नाम विशंभरपुर था गुरु नानक देव जी के समय में। कई बार नाम बदल चुका है, पाटलीपुत्रा, पाटली, ये सब। और दसवें गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब जन्म लिया, अवतार धारण किया, तो उन्होंने कहा तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखय भवलयो। पटना शहर नामकरण गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तब से पटना शहर प्रसिद्ध है। तो गुरु नानक देव जी जब गए थे तब विशंभरपुर नाम था। उनके शिष्य भाई मर्दाना जी, उनको बड़ी भूख लगी थी, कहा महाराज कुछ खाने को मिल जाता तो भूख शांत होती। तो गुरु नानक देव जी ने धरती पर चरण मारे तो वहां से दो लाल निकले। अच्छा। तो कहा इसको बेच करके भोजन कर लो। तो भाई मर्दाना जी जो उनके परम अनन्य सेवक थे, बेचने आए तो कोई सब्जी वाला दो मूली मूल्य लगाता था, कीमत लगाता था। कपड़े वाला जो बजाज था वो कहता था कि इतने दो गज कपड़ा मिलेगा, और सब कोई कुछ कोई कुछ। तो चलते चलते जहाँ एक पादरी हवेली के सामने एक गुरुद्वारा सोनार टोली है। अच्छा। जो जहाँ सोनार लोग रहते थे उसमें मुरलीधर सोनार एक था, छोटा मोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। तो मुरलीधर के पास जब मर्दाना जी ने लाल दिखाया तो कहा तो अद्भुत लाल है, मैं इसकी कीमत नहीं बता सकता, सबसे बड़ा पारखी जौहरी है सालसराय, तो उनके पास चले जाओ, वही इसका सही कीमत लगाएगा। तो भाई मर्दाना जी गए सालसराय जौहरी को दिखाया तो 100 रुपया जो दर्शन करने का भेटा रख दिया और कहा कि कीमत नहीं दे रहा हूँ, जाओ अपने मालिक से कीमत पूछ कर आओ तब बताएंगे। तो यहाँ पर जो जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह महाराज का, यही सालसराय जौहरी की हवेली थी। तो यहीं पर जब दिखाया तो भाई मर्दाना जी, जहाँ गुरुद्वारा गाय घाट है, सबसे पहला गुरुद्वारा गाय घाट में, हाँ, तो वहीं पर ठहरे थे गुरु नानक देव जी, वहीं से मर्दाने को लाल देकर भेजा था। तो वापस आए तो लाल और 100 रुपया रख दिया। तो बाबा नानक जी कहने लगे, भाई मर्दाना जी आपने लाल बेचा नहीं तो पैसे क्यों ले आए, लाल भी वापस ले आए। कहा कि सालसराय जौहरी ने ये दर्शनी भेटा रखा है, प्रेम भेटा दिया है, दर्शन करने का। हाँ, दर्शन करने का। तो कहा नहीं, हमने लाल बेचा नहीं तो पैसे क्यों रखे, जाओ वापस कराओ।
तो भाई मर्दाना जी वापस करने गए सालसराय जौहरी वापस लेना, और गुरु नानक देव जी भी वापस नहीं ले। तो भाई मर्दाना जी 7 बार आए गए, आखिर परेशान होके सालसराय जौहरी के आगे 100 रुपया फेंक दिया। क्या लो मेरा मालिक भी नहीं लेता है, आप भी नहीं लेते हो, मुझे परेशान कर रखा है। तो इस तरह फिर कहा कि वह कामल फकीर लगते हैं। तो सालसराय जौहरी ने अपने नौकर जिसका नाम अधरका था, जो बहुत प्रेम वाला सत्संगी था, जहाँ भी भजन सिमरन हो वहाँ जाकर सत्संग करता था, भजन कीर्तन सुनता था, उसको भेजा, जाओ उस फकीर को रोक के रखो, हम लोग परिवार सहित आ रहे हैं। भाई अधरका जी गए, उन्होंने गुरु नानक देव जी के चरणों पर नमस्कार की, गुरु साहेब जी ने आशीर्वाद दिया, उसके कपाट खुल गए, दर्शन करके दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अच्छा। परमात्मा का नाम ही हीरा और लाल है जी, ये सब तो कंकड़ पत्थर हैं। जैसे भक्त रैदास जी ने जो वाणी उचारी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है कि हरसो हीरा छाड़ के करह आन की आस, तेनर दोजग जाएंगे सद पाखै रविदास। वो सीधे नरकों में जाएंगे, जो सब हीरे से भी कीमती हीरा जो परमात्मा है उसको त्याग करके जो कंकड़ पत्थर की आस करता है वो सीधे नरकों में जाएगा। सो ज्ञान हो गया सालसराय जौहरी को, सत्कार सहित अपनी हवेली में लेकर आया और गुरु भोजन तैयार करवाया। गुरु नानक देव जी स्वयं पंगत में बैठे, सभी को बैठाया जी। और यहीं से संगत और पंगत की परंपरा शुरू हुई। देखो कितना बढ़िया है, लंगर और पंगत की परंपरा यहीं से शुरू हुआ है, पटना साहिब से। अच्छा सर, गुरु नानक जी का शब्द थोड़ा सा गुनगुना के हम लोग को सुना देते हैं। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा, गाँव के दर्शक भी सुन लेंगे। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सभी को जो उपदेश दिया है एकता अखंडता का, और उसमें कहा कि ना कोई हिंदू बड़ा है ना कोई मुसलमान बड़ा है जी। जब गुरु नानक देव जी को मक्का में हाजियों ने पूछा था कि हिंदू बड्डा कि मुसलमान हुई, बाबा आके हाजियां सब हमला बाजो दोनों हुई, और कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेव गुसैया कोई अल्लाह है, कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेव गुसैया कोई अल्लाह है, कारण करण करीम कृपा धार रहीम, कारण करण करीम कृपा धार रहीम, कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेव गुसैया कोई अल्लाह है, कोई बोले राम 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 राम, कोई बोले राम राम कोई खुदा है। आज तो धन धन हो गया हमारा जीवन भैया, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि कहने लायक नहीं, मन तो कर ही नहीं रहा। ज्ञान प्राप्त हो भी किया, साथ साथ हमारे गांव घर के दर्शकों को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। खुशी तो हमको ये बात का है कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे पटने में हैं और हमको मालूम ही नहीं था। बताइए, अच्छा बाबा हम लोग ये चाह रहे हैं कि ज्ञान गांव घर के दर्शकों को कोई गुरु नानक जी का संदेश जो हम लोग को एकदम अंदर तक घुस जाए वो वाला है, वो बता दीजिए ताकि हम लोग उसको लेकर के जीवन अपना पार कर जाए। उनका संदेश। हाँ। गुरु नानक देव जी महाराज ने जो संदेश दिया जी, के नाम जपो अर्थात प्रभु का सिमरन भजन करो, बंड छको अर्थात बांट कर खाओ जी, और धर्म की कीर्त करो, ये 3 बेसिक उपदेश गुरु नानक देव जी का। नाम जपो, बंड छको और धर्म की कीर्त करो, ईमानदारी से कमाई करो, और उसमें से 10वां हिस्सा परमेश्वर के निमित्त अर्पण करो। अच्छा, और कमाई का 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा ईश्वर को अर्पण करो जी, बहुत बढ़िया। जो गरीब गुरबे हैं उनको उनको उनकी मदद करो जी, जी, भूखे जी। को खाना दो, नंगे को वस्त्र दो, बहुत बढ़िया। यही गुरु साहिब जी ने कहा, और ऊंच नीच का भेदभाव सब मिटा दिया गुरु साहिब जी ने, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्णों को एक साथ बैठा करके लंगर में और सबको भोजन कराया।
और कंगाल और अमीर गरीब सब एक साथ ऊंच नीच सब एक पंगत में बैठ के खाते हैं, अभी भी ये परंपरा चल रही है। बहुत अद्भुत माने ये परंपरा है और लगता है कि भगवान का जब कृपा है तो कभी परंपरा खत्म होने वाला ही नहीं है। बहुत अच्छी परंपरा। अभी कार्तिक पूर्णमासी का दिन आ रहा है, गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में। बिहार के कोने कोने से श्रद्धालु गण आते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं। हाँ तो दर्शकों, जो ज्ञान हम लोग को प्राप्त हुआ है आप लोगों ने भी सुना होगा और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो हम लोगों को विदा कीजिए और अगले किसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी हम लोग की। तो जो बोले सो निहाल, सत निहाल।